दोस्तों मैं आज आया हूँ टीकमगढ़ के राइन पार्क में। आज मैं आपको पूरा कवर के दिखाऊंगा, कवर करूंगा पूरे टीकमगढ़ के राइन। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब पार्क में यहाँ पर शायद फुब्बारा बना है, क्योंकि अभी तो बंद हो चुका है। पहले चलता था ना जब, तो बहुत ही अच्छा लगता था देखने में, मतलब ड्यूटी थी पार्क की इसी से, क्योंकि अभी फिलहाल बंद हुए हुआ है। और फिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरे टीकमगढ़ का फॉरेस्ट है, यानी टीकमगढ़ का किला है। बट ये किसी दिन खुलता है मुझे पता नहीं, कौन दिन शायद दशहरा के दिन खुलता है, और अभी तो ये फिलहाल बंद पड़ा है, तो अभी ये यहाँ पर नहीं जा सकता। और फ्रेंड्स जी आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा ब्यूटी है। हम लोग पार्क के एक्चुअली बीच में, फ्रंट में, बीच में आए, सेंटर में, सेंटर से देखने में भी बहुत ही अच्छा ब्यूटी में लग रहा है। देखिए जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कितना अच्छा नेचुरल देखने को मिल रहा है, नेचर, और बाकी सब यहाँ पर ठहर रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गांधी जी की तस्वीर लगाई गई है यहाँ पार्क के बीच में। पहले जो मतलब पिक्चर यहाँ पर लगी हुई थी वो मतलब डैमेज कर दी थी किसी ने, तो उसको निकाल के यहाँ पर ये न्यू लगाई गई है। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी अच्छा बैठने के लिए, अगर थक जाते हैं आप चल के, तो बैठने के लिए भी आपको यहाँ पर बहुत सारे स्थान मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं, जो लोग मतलब बैठ के शांति में अच्छी तरह से, ये सब बुजुर्ग आदमी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हम मतलब यहीं पर घूम रहे हैं पार्क में, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी वो मेरा पीछे फ्रेंड है, पर शाम हो गई है तो थोड़ी फ़ोटो आपको डार्क सी, मतलब जो वीडियो का सीन है थोड़ा थोड़ा डार्क सा होगा। जैसे कि और आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं वो नज़रबाग है, श्री राम राजा मंदिर, और ये पीछे देख रहे हैं आप, ये मेरे पीछे वो वाला, ये है घंटा, ये एक्चुअली पार्क के बाहर में है और हम लोग अभी पार्क में। देखिए पार्क का कुछ ऐसा व्यू है, आपको देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। देखिए तो दो तीन दिनों के बाद फ्रेंड्स ये मेरी व्लॉग वीडियो आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है। वो देखिए मेरे फ्रेंड्स वो आपको दिख रहा होगा जे पीछे, वो वाला हमारा वो मेन गेट है, वहीं से हम लोग आए हैं, और हम वो वापस भी वही उसी तरफ से जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर ये दो स्पीकर लगाए गए हैं, जो मतलब कोई मेडिटेशन थोड़ा सा सॉन्ग वगैरह प्ले करने के लिए यूज किए जाते हैं। बेसिकली जब 15 अगस्त या 26 जनवरी कोई भी बड़ा डे आता है जो राष्ट्रीय हो, उसी के टाइम इसको मतलब चलाया जाता है। फिलहाल तो अभी ये बंद पड़े हैं, कोई भी अनयूज्ड है।
हूँ।